अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके? कैसा गुज़रा आज आपका दिन? और हमने तो आज करेले बनाए हैं फ्रोज़न। तो ये देखें, ये बिल्कुल कटे होते हैं, फ्रीज हुई होते हैं बीजों के साथ। तो बस थोड़ी देर जब इनको बाहर रखें तो उसके बाद मैं बीज निकाल के और निचोड़ के थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ। टेस्ट वाइज कड़वे तो बिल्कुल नहीं होते, इवन बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस फिर करेलों का नाम ही है, हम खुश होकर खा लेते हैं। बस इसका बस खड़ा मसाला थोड़ा सा बना के और करेलों को अलग फ्राई करके और बना लिया था। थोड़ा स्पाइसी बनाया था क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खाना था। तो मिर्चें डाली जा सकती हैं, ग्रीन चिल्ली वगैरह, सब अच्छा स्पाइसी बन गया था। और बच्चों के लिए मैंने राइस बनाए हुए थे बीफ के साथ, क्योंकि रेड मीट उनको मैं किसी न किसी तरह खिलाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे तो ग्रो कर रहे होते हैं, उनको रेड मीट की भी ज़रूरत होती है। जबकि हमें, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर अब जाहिर है उतनी ज़रूरत नहीं रहती। और हम भी आजकल पाकिस्तान के प्रोड्यूस्ड बहुत ही मज़दार मैंगोस खा रहे हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आजकल आयरलैंड में अवेलेबल हैं हमारी देसी शॉप्स पे, हमारे होल सेलर्स के पास, तो हम भी ले आते हैं और पाकिस्तान को याद करके पाकिस्तान के मैंगो खा लेते हैं। और ये देखें, हमारे टैडी भी इस तरह हमारे पास बैठे रहे। और चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे।